रेसिपी ट्रेडिशनल और बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसे आप एक बार बना लीजिए तो हर गर्मियों में आप बनाएंगे। इसे आप एक बार स्टोर करके एक साल तक आराम से खा सकते हैं। कटहल के अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले कटहल को काट लेंगे। यहाँ पर हम कटहल का छिलका निकाल कर और हाथों में तेल लगा कर और उसके बाद इसे कट कर ले। इससे जो कटहल का दूध या गोंद निकलता है वह आपके हाथ में कम चिपकेगा। तो यहाँ पर हमने कटहल को काट कर वॉश कर लिया है। अब हमें कटहल को बॉयल करना है। तो एक बर्तन में आप कटहल को बॉयल करने के लिए रख दीजिए। एक चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ इसे हम बॉयल करेंगे तो इसमें एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें कटा हुआ कटहल डाल देंगे और साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर के साथ अगर आप इसे बॉयल कर रहे हैं तो इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा। इसे आप हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका लीजिए। इतने देर में कटहल जो है वो 50% तक सॉफ्ट हो चुका होगा। एक पीस निकाल करके इसे चेक कर लेते हैं। यह सॉफ्ट हो चुका है। बिल्कुल हमें इतना ही पकाना है। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें जो पानी है उसे अच्छी तरह से हटा देंगे। तो यह देखिए, हमने कटहल को छोटे पीस में कट की थी। यह जल्दी सॉफ्ट हो चुका है। बड़े पीसेस होते तो ना तो उसके अंदर नमक और मिर्च का टेस्ट आता और वह नहीं जल्दी सॉफ्ट हो पाते। इसके बाद हमें इस कटहल को धूप में रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। इसमें मॉइस्चर जो है वह ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक के ऊपर कटहल के पीसेस को इस तरह से चारों तरफ फैला दे रही हूँ ताकि यह अच्छे से 4 से 5 घंटे में इसमें जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे कटहल के पीसेस को अच्छी तरीके से फैला दिया है। इसे हम जब धूप में रखेंगे तो पर इसे 1 घंटे के बाद फिर से इसे पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाए। अब हमें इसके लिए मसाला बनाना है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच पीला सरसों, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी ऐड करेंगे। मेथी थोड़ा कम यूज कीजिएगा क्योंकि इसे हमें ज़्यादा डालने से अचार का कड़वा टेस्ट हो जाता है। गैस को ऑन कर लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। इसमें जब तक हल्का सा खुशबू नहीं आने लगे तब तक इसे हम रोस्ट करेंगे। और अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे।
इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि अजवाइन अगर ज़्यादा रोस्ट हो जाती है तो यह भी कड़वी हो जाती है। यहाँ पर हमने अजवाइन एक चम्मच ऐड किया है, इसे भी अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे एक चम्मच काली मिर्च। अचार में यह डालने से अचार की टेस्ट और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर मसाला रोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है और खुशबू भी आने स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम इतना ही देर तक हमें मसाले को रोस्ट करना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। जैसे ही मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें ग्राइंड करना है। तो मसाले को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये ठंडा हो चुका है मसाला। तो यहाँ पर हमने छोटे मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। एक चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो तीखी वाली होती है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों के साथ हल्का हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। एकदम हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा ही रखना है। तो अब हम इस तरह से अचार का मसाला तैयार कर लिया है। मसाले को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मसाले को हमने एक बाउल में डाल दिया है, इसके साथ ही कलौंजी ऐड करनी है। तो आधा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। अचार में इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कलौंजी से। फिर हमें इसमें नमक ऐड करना है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे। और अगर अचार में प्रॉपर नमक रहेगा तभी अचार का टेस्ट आता है। नमक से अचार जल्दी गल जाती है। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर देंगे, इससे अच्छा कलर आ जाएगा हमारा जो अचार बन करके तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे एक कप सरसों का तेल। इसे हमने गर्म करके ठंडा नहीं किया है, इसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। सारे मसाले को हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको सरसों का तेल का तीखापन पसंद नहीं आता है तो इसे आप एक बार अच्छे से गर्म कीजिए और ठंडा कीजिए, तब डालिए। लेकिन अचार में सरसों का तेल का तीखापन बहुत ही अच्छा लगता है। यह मसाला इसमें मिल गया है। इस मसाले का कलर तो देखने में अच्छा लग ही रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे। कटहल जो है अच्छे तरीके से सूख चुका है, इसमें मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इस अचार को आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। कटहल के पीसेस को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे इस तरह से।
अब हम इसमें कच्चा आम ग्रेट किया हुआ डाल करके इसे मिला लेंगे। इससे कटहल की अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास आम ना हो तो इसके जगह पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार और मिला लेंगे। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, कटहल का अचार बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार है। अब हम इसे एक कंटेनर में भर देंगे। तीन दिन तक धूप में रखेंगे, उसके बाद यह खाने के लिए अचार तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से अचार बनाइए कटहल का और खाइए, और अपना अनुभव मुझे शेयर ज़रूर कीजिए।